जी चाची जी। तुम्हारी माँ है घर में? कौन है गुड्डन? हम हैं। हम? अरे हम कौन? अब इन्हें क्या समझाएं कि हम कौन? तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को बाहर बुला दो। लेकिन तुम्हारी माँ खुश हो जाएंगी हमें देखकर, और वैसे भी कुछ ले आए हैं हम उनके लिए। तो आज क्या लाए हैं आप? कचौड़ी और जलेबी। कौन है जाने? अरे गुड्डन, इतने अंधेरे में किससे बात कर रही है? मोहल्ले में तो जानती नहीं किसी को। चलो रमा, चल के देखते हैं। ये लो। कौन है बेटा? आकर खुद ही देख लो। वहाँ गुड्डन बेटा, नाम तो पूछ लो। उफ, कितना अंधेरा है यहाँ, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। और तुम हो कि हमारे हाथ को तो सूझ गया तुम्हारा हाथ दुल्हन। पापा, पापा आप भी ना। आपने तो हमें डरा ही दिया था। आपको क्या लगा किसी और ने आपका हाथ पकड़ लिया? अरे जान नहीं ले लेंगे उसकी। आप भी ना। अरे अरे क्या कर रहे हो? कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? अब आप ही देखिए ना भाई साहब, आजकल तो वो हर दूसरे दिन ओवरटाइम करते हैं। लेकिन ऐसे में तो देवर जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप ही समझाइए दीदी, हमारी कहाँ सुनते हैं। ओफो, आप दोनों की बातचीत में हमारी जलेबियाँ ठंडी हो जाएंगी। तो छोड़िए, आप भी चलो चलो खाते हैं। आप बैठिए चाची जी, हम लाते हैं। लड़कियां घर में हो तो बात ही कुछ और होती है। दीदी, आपके देवर तो हमेशा कहते हैं बेटियों के लिए तरस गए। शाम को घर आए तो बेटी के हाथ की चाय पिए। बिल्कुल, अभी लीजिए। आपकी पत्नी आई थी, वो दही बड़े लेकर गई थी। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं लल्ला की शादी के लिए, आप ही दिखा दीजिएगा और पूछिए उससे कौन सी। अम्मा, हमसे ये व्रत व्रत नहीं रखा जाता। कैसी बातें कर रही है दीपा? अरे बिटिया, भोलेनाथ का व्रत तू पूरी इच्छा और मन से रखेगी तो भोले शंकर तुझे अच्छा घर और अच्छा वर देंगे। अब चल, कुछ समझती नहीं है ये लड़की, चला जा। बाबूजी, अरे आप यहीं मिल गए, अच्छा हुआ, कुछ समझाइए ना इसे। अरे छोड़ो ना वीना, क्यों दिन भर बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो तुम। अच्छा छोड़िए, ये बताइए लल्ला जी मिले थे, दही बड़े खाए उन्होंने, पसंद आया उनको? बस वीना बस, बहुत हो गया। कितनी बार समझाया तुझे मैंने, तुम्हें रोज रोज कुछ ना कुछ लेके पंडित जी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है वीना? वो बड़े लोग हैं, वो कहाँ और हम कहाँ, और तुम्हारी ये दही बड़े और गुलाब, कैसे समझाऊं तुझे। तो कब से अम्मा को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, पर अम्मा है कि कुछ समझती नहीं। आप दोनों बाप बेटी न जाने क्या क्या सोचते रहते। अरे सुधा दीदी तुझे कितना चाहती है, दिखाई नहीं देता है क्या तुझे? एक बात बताएं पाठक जी, हमें तो लगता है सुधा दीदी अपनी दीपा को मनी मन बहु मान चुकी है, इसीलिए तो आज लल्ला पर बिगड़ गई। वो माथुर जी की बिटिया से बात करने पर उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया उनसे जरा भी मेलजोल बनाने को। सुधा दीदी चाहती ही नहीं है कि लल्ला के मन में दीपा के सिवा कोई और लड़की आए। तुम्हें तो बस
वही सुनती हो और समझती हो जो तुम समझना चाहती हो। अब इसमें समझने और ना समझने की क्या बात है? अपनी दीपा से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी उन्हें? हम बता रहे हैं पाठक जी, हमें तो लगता है मनी मन लल्ला भी अपनी दीपा को पसंद करते हैं। हाँ मैं चलता हूँ। बाबूजी चलो। अम्मा छुट्टी कितनी पढ़ाई करी? जब देखो किताबों में घुसी रहती, कुछ समझ में आता है या फिर तोते की तरह लड़ती रहती है। भैया भैया। अच्छा बताओ अम्मा कहाँ? अपने कमरे में टीएन के साथ। बहुत गुस्से में? नहीं होगी। अरे दिल जलाए बैठी है। आप भी ना ना आगे देखते ना पीछे, फटाक से जवाब दे दे अम्मा को। अब जाओ देखो आग लगी हुई है ऊपर। आग तो हर जगह लगी है छुटकी, वहाँ अम्मा का दिल जल रहा है और यहाँ हमारा कलेजा। आपका कलेजा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने चाय पी ली थी कायस्तों के घर पे गर्मा गर्म, इसलिए। तो दादी ठीक ही कह रही थी, टोटका कर दिया उन्होंने आपसे। कुछ तो जादू किया है। अच्छा तो ये जादू खुलेगा कैसे? एक स्पेशल चाबी, तू नहीं समझेगी। क्या तुझे समझना क्या? हाँ पढ़ाई कर, जब देखो बातों में पढ़ाई कर। बेटा ऐसे लड़कों से बच कर रहना चाहिए जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी तुम लोग उसके परिवार के बारे में क्या जानते हो?